My dear students, today I want to discuss six integrals, and these integrals are very, very important, and you say that it is backbone of this integration. प्रिय विद्यार्थियों, ये छह integration आपको, इसका derivation, इसका result, technique से हो या जैसे भी हो, आपको इंटीग्रेशन में अच्छा करना है तो इसको करना है. चार बार बनाइए, पांच बार बनाइए, समझ समझ के बनाइए, रिजल्ट को याद रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. पहले ये छह थ्योरी था, छोटा छोटा सवाल, और इससे एक सवाल आता ही था. लेकिन अब नए जमाने में कभी कभी ये सवाल पूछ देता है छह में से एक, तो हिंदुस्तान में बच्चा रोने लगता है, कहता थ्योरी CBSE में नहीं. प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है. इसलिए आप इसके डेरिवेशन को भी, इसके प्रूफ को भी जानिए, समझिए, पढ़िए, और तब इसका एप्लीकेशन पार्ट में से सवाल आता ही आता है, वो आप अप्लाई कीजिए. माय डियर स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टार्ट. हाउ विल यू प्रूव दिस प्रॉब्लम, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. एंड हियर dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज रेशनल एक्सप्रेशन. तो हाउ विल यू इंटीग्रेट, रिजल्ट विल बी 1/2 ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी. जो विद्यार्थियों क्लास 11 में ही मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में ये समझाया था, सीक्वेंस एंड सीरीज में जब tn टर्म में दो फैक्टर रहे लीनियर, तीन फैक्टर रहे लीनियर, तो कैसे अलग करोगे, ये इस बातों की चर्चा मैंने की थी. प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. तो क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट इट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, हाउ विल यू सेपरेट. 11 में हम बताएं तीन तीन मेथड से क्लास बतलाए थे, एक 1/x माइनस ए, 1/x प्लस ए में बड़ा कौन है, तो बड़ा एक्स माइनस ए है, छोटा कौन है, एक्स प्लस ए. कैसे, एक को मान लो पांच पार्ट में बांट रहे हो, एक को दस पार्ट में बांट रहे हो, तो बड़ा कौन हुआ, एक को पांच पार्ट में जब बांटे, एक को दस पार्ट में बांटे तो वो छोटा हुआ. दैट्स व्हाई 1/x माइनस ए इज ग्रेटर देन 1/x प्लस ए. तो मैंने तुमसे ये कहा था कि अरेंजमेंट मेथड से सवाल आराम से बना लो. देख लो, छोटा में बड़ा में छोटा घटा दिए, और ऊपर में जो डिफरेंस आया उससे भाग दे दिए. देखो तो एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए घटाए, तो क्या हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर में 2a हो गया, तो 1/2a 2a से भाग दे दिए. यानी यदि लीनियर फैक्टर रहे डिनोमिनेटर में, तो उसको बिना नियम के यदि इस टेक्निक से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, छोटा में बड़ा घटा दिए और दोनों का डिफरेंस जो ऊपर डिनोमिनेटर में रहा उससे भाग दे दिए, देन इट विल बी इक्वल टू दिस प्रोडक्ट. देख लीजिए, 2a कट गया, तो इट विल बी इक्वल टू 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए. माई डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन स्प्लिट 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझे होंगे. नाउ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स माइनस ए माइनस dx बाय एक्स प्लस ए. इस तरह के बहुत सारे इंटीग्रेशन को आप बनाए, एक्स माइनस ए का dc ऊपर में है, एक्स प्लस ए का डिफरेंशियल कोफिशियंट ऊपर में है, तो ये log mod ऑफ दिस फंक्शन ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या इसको मैंने यहाँ पर इंटीग्रेट किया अलग से. सपोज दिस इज आई वन एंड दिस इज आई टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस ए, कंसीडर x माइनस ए इज इक्वल टू t, इस dx इज इक्वल टू dt, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ नीचे में फंक्शन ऊपर में उसका dc, log mod ऑफ द फंक्शन, दैट इज फंक्शन इज t इक्वल टू x माइनस ए, तो log mod x माइनस ए प्लस c1. नाउ i2 इज इक्वल टू dx बाय x प्लस ए, कंसीडर t इज इक्वल टू x प्लस ए, तो dt इज इक्वल टू dx, सो i2 इज इक्वल टू ऊपर में dt नीचे में t, log mod t plus c2, and it will be log mod x plus a plus c2. So now c1 plus c2 you consider, c1 plus c2 you consider a constant,
then it will be equal to 1 by 2a log x minus a plus c। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या नहीं तो अलग अलग बाय पार्ट भी बना करके लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज dx बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2a log mod a plus x डिवाइडेड बाय a माइनस x plus c। नाउ 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैन बी फैक्टराइज्ड एंड इट विल बी रिटर्न इन दिस फॉर्म 1 by a minus x into a plus x, and it will be written in this form 1 by a minus x plus 1 by a plus x. You can see a plus a minus x in the denominator, and it will be 2a, so we will divide it by 2a. So now 1 by a square minus x square can be separated and written in this form 1 by 2a 1 by a minus x plus 1 by a plus x. Now integrating it, we get 1 by a square minus x square dx is equal to 1 by 2a 1 by a minus x plus 1 by a plus x dx. And after differentiating, what do we observe? We observe that it is in the form of niche mein function upar mein uska dc, niche mein function upar mein uska dc, but it comes with negative sign. So differentiation of this 1 by a minus x dx is equal to minus log mod a minus x, and differentiation of 1 by a plus x dx is equal to log mod a plus x, that is 1 by 2a log mod a plus x by a minus x plus c. In this way we can solve this problem. This is also, this formula is applicable in the form of tools also in solving the problem, in solving the particular problems. Now dx by x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Let I is equal to dx by x square plus a square, and x is equal to a tan theta, dx is equal to a sec square theta d theta. So it will be a sec square theta d theta, a square tan square theta plus a square, and it will be a square tan square theta plus 1, and it will be a square sec square theta d theta divided by a square sec square theta, and it will be 1 by a d theta, it will be 1 by a theta plus c. Since tan theta is equal to x by a, so theta is equal to tan inverse x by a, so I is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. In this way dx by x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse x plus x tan inverse x by a plus c. So my dear student, you can solve this problem by considering x is equal to a cot theta also, then that time you will get minus sign here. Now dx by a square minus x square we have already discussed, dx by x square plus a square we have already discussed, and now I want to solve next problem, that is problem number 4. Priya vidyarthiyo, वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रल जब रेशनल हो, यहाँ इंटीग्रल में जब इरेशनल फैक्टर हो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पूरा सवाल वही है, केवल रूट चढ़ा दिए, आंसर विल बी लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन इज हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ फर्स्ट टर्म में ही वेरिएबल है और सेकेंड टर्म में कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब फर्स्ट टर्म में वेरिएबल रहे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इज इक्वल टू ए सेक थीटा मानेंगे। नो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग इट विल बी dx a सेक थीटा टेन थीटा d थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू x बाय a, तो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ए, सो आई इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, सो इट विल बी ए सेक थीटा टेन थीटा रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड इट विल बी ए सेक थीटा टेन थीटा ए रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, एंड इट विल बी ए सेक थीटा टेन थीटा divided by a tan theta d theta, and it will be sec theta d theta. So integration of sec theta d theta is log sec theta plus
tan theta plus c1. Now putting the value of theta in term of x by a, it will be log x by a plus root over x square minus a square by a. And it will be log x plus root over x square minus a square by a plus c1. And it will be log x plus root over x square minus a square minus log mod a plus c. Consider c1 minus log a is equal to capital C. So it will be I is equal to log mod x plus root over x square minus a square plus c. In this way, we can solve this problem. Here, I want to give you some suggestion. My dear students, you must solve this problem again and again so that you can solve this problem in the examination, not only examination, but you can apply it in particular problem also. Now, my dear student, I want to discuss next problem. Next problem is dx by root over x a square minus x square is equal to sine inverse x by a plus c. Priya vidyarthiyo, yahan second term variable hai. Jab variable second term rahe, to us sawal ko hum x is equal to a sin theta ya x is equal to a cos theta, dono maan ke bana sakte hain. So now we consider here x is equal to a sin theta. So sin theta is equal to x by a. And theta is equal to sine inverse x by a. So my dear student, after differentiating dx is equal to a cos theta d theta. Now whole integrand will change in term of a cos theta d theta divided by root over a square sine square theta. And it will be a cos theta d theta. It will be a square 1 minus sine square theta square root. And it will be a cos theta d theta divided by a cos theta. So it will be d theta. And it will be theta plus c, and the value of theta is sine inverse x by a plus c. In this way, we can solve this very, very important problem. I hope you must do it. Now, problem number 6, integration of dx root over x square plus a square will be log mod x plus root over x square a square plus c. My dear student, here x is in the first term with positive sign. So consider x is equal to a tan theta or a cot theta. So dx a sec square theta d theta. Tan theta is equal to x by a. Now it will be a sec square theta d theta root over a tan square theta plus a square sec square theta d theta. By taking a square common, we have 1 plus tan square theta. So after simplifying, we have sec theta d theta. So log sec theta plus tan theta plus c1. Put the value of sec theta will be x by a. And tan theta is equal to root over x square a square plus 1. And after simplifying, it will be log mod x plus root over x square a square minus log a. Ye niche wala, jo a square hai, square root hata to a ho gaya, LCM liye to a ho gaya, logarithmic ka formula lagaye, log ka minus log a plus c1. And it will be log mod x plus root over x square a square plus c, where c1 minus log a is equal to capital C. My dear student, इस तरह हम ये छह फार्मूला को डिस्कस किए. ये छह फार्मूला पर आधारित सवाल तो पहले भी आता ही आता था, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसलिए ये छह फार्मूला के डेरिवेशन को ठिकाने से पढ़ो, इसको बनाने का चेष्टा करो, इसको याद करो, बार बार बनाओ. अब ये छवों फार्मूला का हम अप्लीकेशन के लिए एक्सरसाइज 7.4 के सवाल को एनसीईआरटी का बना रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी 3x स्क्वायर x टू द पावर 6 प्लस 1. अब हम इसको किस तरह बनावें, किस तरह सब्स्टिट्यूट करें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर आया. कंसीडर हियर x to the power 6 can be written as x to the power cube whole square. And if you consider x cube is equal to t, then it will be 3x square. अब धीरे धीरे आपको दिखने लगा, इसीलिए बहुत बच्चा x to the power 6 को x square to the power cube नहीं लिखे, क्योंकि वो लिखने से ऊपर वाला dc, ऊपर वाला टर्म नहीं आएगा. प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए आँख खोल के सुनो, रिवीजन करो, चिंतन मनन करो, तभी यह सवाल बना सकोगे.
एक्स क्यूब इजक्वल टू टी, तो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू डी टी. नाउ होल इंटीग्रांड चेंज इन द फॉर्म ऑफ डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन. एंड इज ऑन द फॉर्मूला डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए. हियर ए इज इक्वल टू वन, सो आई इज इक्वल टू वन बाय वन टेन इनवर्स टी बाय वन प्लस सी, दैट इज टेन इनवर्स टी प्लस सी, एंड दैट इज टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी. इन दिस वे वील अप्लाई दिस फार्मूला, विच फार्मूला डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए. माई डियर स्टूडेंट, नाउ आई वॉन्ट टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर टू, डी एक्स बाय रूट ओवर वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर. तो नाउ आई इज इक्वल टू डी एक्स बाय वन प्लस टू एक्स होल स्क्वायर. नाउ कंसिडर टू एक्स इजक्वल टू टी, इट विल बी टू डी एक्स इजक्वल टू डी टी, एंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स इजक्वल टू डी टी बाय टू. सो नाउ दिस इंटीग्रल चेंज इन द फॉर्म ऑफ डी टी बाय रूट ओवर वन प्लस टी स्क्वायर. इट इज ऑन द फॉर्मूला डी एक्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं, यदि ये फार्मूला आप याद नहीं रखेंगे तो ये सवाल नहीं बनेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इसलिए आपसे बार बार सजेशन है, सुझाव है कि इंटीग्रेशन को मजबूत कीजिए, इस सब फार्मूला को आप अपने से बनाइए, चार बार पांच बार बनाइए, इसके रिजल्ट को याद रखिए, तभी आप इंटीग्रेशन को बना पाइएगा. सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू टू एक्स, एंड इट विल बी आई इज इक्वल टू हाफ लॉग मॉड टू एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी. नाउ माई डियर स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर थ्री. नाउ यू कैन सी इट विल बी वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वन डी एक्स. माई डियर स्टूडेंट, यू कंसिडर टू माइनस एक्स इजक्वल टू टी, तो डी एक्स इजक्वल टू माइनस डी टी, एंड आई इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन. एंड ऑफकोर्स इट इज ऑन द फार्मूला डी एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दैट इज माइनस लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर प्लस वन. एंड इट विल बी माइनस लॉग टू माइनस एक्स रूट ओवर टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, एंड लॉग टू माइनस एक्स मॉड टू माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन to the power minus 1, because here this minus will be treated as power here. So now after simplification, log of 1 by 2 minus x plus x square minus 4x plus c plus 5 plus c will be the answer. Now my dear student, this problem number 4 is very very important. It will be 1 by 9 minus 25x square. Priya Vidyarthi, ye sawal mein praya bachcha galti karta hai. 1 by 3 square minus 5 by x whole square. It is on the formula a square minus x square. And directly student write the answer of this problem is sine inverse 5x by 3. It is wrong, because here the coefficient of x is 5. Coefficient of x is 5. And here coefficient of x is 1. So 1 se yahan bhi bhag laga, lekin dikhai nahi pada. Lekin yahan हम इसको तोड़ के बनाए हैं, आप इसको रियलाइज कीजिए, फिल कीजिए, तभी यह सवाल में आप नंबर ले पाइएगा. नाउ हियर ए इक्वल टू थ्री एंड टी इक्वल टू फाइव एक्स, तो डी टी इक्वल टू फाइव डी एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई फाइव. नाउ होल इंटीग्रल चेंज इन द फॉर्म ऑफ वन बाय फाइव रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इन टू डी टी, सो इट विल बी वन बाय फाइव साइन इनवर्स टी बाय ए प्लस सी, एंड इट विल बी वन बाय फाइव साइन इनवर्स फाइव एक्स बाय थ्री प्लस सी. सो माई डियर स्टूडेंट, यू मस्ट बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. नाउ आई वॉन्ट टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रेशन थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू द पावर फोर डी एक्स. My dear student, now you convert it in the form of root 2x square whole square. So now if you consider root 2 over root 2x square is equal to t,
then dx is equal to dt by 2 root 2x, and this is equal to 1 by 2 root 2, 3x dt by x 1 plus t square. So after simplifying, it will be 1 by 2 root 2 into 3 dt 1 plus t square, and it is 3 by 2 root 2, tan inverse x by a, tan inverse t by 1. So now it will be I is equal to 3 by 2 root 2, tan inverse root 2 x square plus c. So integration of 3x 1 plus 2 into x to the power 4 dx is equal to 3 by 2 root 2, tan inverse root 2 x square plus c. In this way, my dear student, I will solve this problem number 5. Now problem number 6, integration of x square 1 minus x to the power 6 into dx. It can be written as 1 minus x cube whole square dx. Put x cube is equal to t. It will be 3x square dx is equal to dt. X square dx is equal to dt by 2. So now, it is in the form of 1 by 3 dt by 1 minus t square. My dear student, it is on the form of dx by a square minus x square. And the result of dx by a square minus x square is 1 by 2 a log mod a plus x divided by a minus x plus c. प्रिय विद्यार्थियों, जब तक आप ये रिजल्ट नहीं जानिएगा तो सवाल हिलेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं. इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए. नौ, आई इज इक्वल टू 1/3 1/2 लॉग 1 प्लस टी बाय 1 माइनस टी प्लस सी, एंड इट विल बी 1/3 विद इन द ब्रैकेट 1/2 लॉग, पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, log mod 1 plus x cube by 1 minus x cube. So it will be 1/6 log mod 1 plus x cube divided by 1 minus x cube plus c. In this way, we can solve problem number 6. Now we want to solve next problem. Problem number 7. X minus a root over x square minus 1 dx. Let I is equal to x minus 1. Root over x square minus 1 dx. So now we can separate it. I is equal to x by root over x square minus 1 dx, and I is equal to root over x square minus 1. This is I2. My dear student, now I want to solve I1, I2 separately. It is x by root over x square minus 1. We consider x square minus 1 is equal to 2. It will be 2x dx is equal to dt. And the value of x dx is equal to dt by 2. So I1 is equal to 1/2 dt by root t, and 1/2 t to the power minus half dt, 1/2 t to the power minus half plus 1 minus half plus 1 plus c, and it will be half t to the power half divided by half plus c. So it will be t to the power half plus c. So it will be root over x square 1 x square minus 1 plus c1, and I2 is equal to 1 by root over x square minus 1 dx. It is on the formula dx by root over x square minus a square. So it will be log x plus root over x square minus a square plus c. So now we can write the answer I is equal to I1 plus I2, and it will be root over x square minus 1 minus log x plus root over x square minus 1 plus c. In this way, we can solve problem number 7. Now, my dear student, the alternative method of this problem is, how will you solve it alternatively? This is a very beautiful method. This is a very important method. Let I is equal to x minus 1 root over x square minus 1 dx. Priya Vidyarthiyo, ab is sawal ko jo hum pehle banaye, isi ko alternative method se is tarah banana chahte hain. Kaise? Ya kis form hai? X minus 1 is the linear form. px plus q root over x square bx plus c. तो ये px plus q को हम किस तरह तोड़ें? a d by dx ax square bx plus c plus b. So x minus 1 can be written as a d by dx x square minus 1 plus b. It is a 2x plus b. Comparing the coefficient of like term, we have b is constant and here is minus 1. b is equal to minus 1. 2a, coefficient of x is 2a and coefficient of x is 1. So 2a is equal to 1. A is equal to half. अब x minus 1 को इस तरह हम लोग
इस सवाल को रीअरेंज करें, कैसे? हाफ डिवाइड एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज 2x प्लस माइनस वन, माइनस वन क्या हुआ, प्लस बी, प्लस बी, सो इट विल बी, यू कैन सी 2 कैंसिल, एक्स माइनस वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसको हम सेपरेट कर दिए, एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स माइनस वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। माई डियर स्टूडेंट, इस सवाल को हमने अब जो पहले हम 7 नंबर बनाए ठीक वही सवाल हो गया। हम एक्स माइनस वन को किस तरह लिखें यह सवाल बन जाए, इस तरीका से भी हम बना सकते हैं। और फिर 7वां नंबर सवाल में जो आगे हम डिस्कस किए उसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे। आशा है आज का क्लास आप समझ पा रहे होंगे, मैं केवल अभी 7 सवाल ही बनाया हूँ और 6 फार्मूला के माध्यम से। आशा है आप 7ों सवाल को ध्यान से इसके वीडियो को सुनिएगा, सवाल को बनाइएगा, बार बार इसके डेरिवेशन को पढ़िएगा, तभी आप इंटीग्रेशन में अच्छा कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।